लोग स्टूडेंट्स आज बच्चों क्वेश्चन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का और क्वेश्चन रहा ये। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी और ई पावर एक्स प्लस 1 प्लस ई पावर 3 माइनस एक्स और होल पावर कितना है माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू इसके एक्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इस पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, डिनोमिनेटर में ले जाना है। तो हमारे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी 1 अपॉन ई पावर एक्स प्लस 1 और प्लस ई पावर 3 माइनस एक्स और विद रिस्पेक्ट टू इसके एक्स की। अब उसके बाद ये जो आपका ई पावर एक्स प्लस 1 है और ई पावर 3 माइनस एक्स है, इसको मैंने क्या करना, ब्रेक करना। तो ब्रेक करके हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन ई पावर एक्स इंटू ई पावर कितना 1, दे सेम पावर आर एडेड और प्लस ई पावर कितना 3 और इंटू ई पावर माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने ई कॉमन लेना और दूसरा ये जो e पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना। तो आपके पास कॉमन आया 1 अपॉन e और हमारे पास अंदर क्या बचा, e पावर x, यहाँ से e पावर कॉमन आ गया और प्लस e क्यूब था तो e एक कॉमन ले लिया तो आपके पास बना e स्क्वायर ओवर में कितना e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका लेना मैंने एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद e पावर x चला जाएगा ऊपर तो हमारे पास बना 1 अपॉन e और e पावर x अपॉन में कितना बना e पावर x का स्क्वायर और प्लस कितना e स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो ये e पावर x है, e पावर x का डेरिवेटिव कितना रहेगा, e पावर x इनटू dx, मतलब हमारा फंक्शन और डेरिवेटिव यहाँ पे मिल रहा है। तो करिए इसको पुट, पुट e पावर x इक्वल टू कितना t डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके x की, तो e पावर x और dx इक्वल टू कितना dt। अब आपकी ये लिमिट, ये लिमिट थी 1 टू कितना इनफिनिटी, 1 टू इनफिनिटी। अब लिमिट थी आपकी x में तो अब आपने t में चेंज कर दिया इसको तो उसमें लिमिट को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी है 1 लोअर लिमिट, तो t की वैल्यू कितनी बनी यहाँ पे पुट करिए e की पावर 1 दैट इज e और x की वैल्यू कितनी बनी आपके पास कितनी है अपर लिमिट इनफिनिटी तो t की वैल्यू कितना बन जाएगा e की पावर इनफिनिटी। e क्या होता है अप्रोक्सीमेट 2.7, आपका नंबर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी इनफिनिटी। तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रल इसमें रिड्यूस हो गया 1 अपॉन e और ये गया कहाँ से कहाँ तक, e से इनफिनिटी और ये बना dt, इसकी वैल्यू कितनी आई dt अपॉन में कितना t स्क्वायर प्लस e स्क्वायर। अब इसको मैंने कैसे लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, t एक वेरिएबल है तो बना x और ये कांस्टेंट है तो e, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू किसके x की, क्या फॉर्मूला है 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये 1 अपॉन e आपका एज इट इज। अब उसके बाद 1 अपॉन e, a कितना है इधर e तो 1 अपॉन e कितना 1 अपॉन e और tan इनवर्स ऑफ x, x कितना t ओवर e और लिमिट लोअर लिमिट कितनी थी e और इनफिनिटी। अच्छा 1 अपॉन e, 1 अपॉन e कितना बन गया 1 अपॉन e स्क्वायर और अब मैंने क्या करना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें पुट करिए tan इनवर्स ऑफ इनफिनिटी ओवर e माइनस tan इनवर्स ऑफ e ओवर e तो आपके पास कितना है 1 अपॉन e स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स ऑफ इनफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ कितना आएगा 1। वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास कितना बना 1 अपॉन e स्क्वायर कितने पर वैल्यू रहेगी ये पाई अपॉन 2 पर और ये 1 कितने पर होगी माइनस पाई अपॉन 4 पर। वैल्यू इसको सॉल्व करिए हमारे पास क्या बना पाई अपॉन 4 इन दोनों को माइनस करके अरेंज करके लिख दो पाई अपॉन 4 e स्क्वायर तो आपका ऑप्शन कौन है फर्स्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।